नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। राजस्थान में कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। अशोक गहलोत सरकार की इस योजना के तहत कृषि की पढ़ाई कर रही लड़कियों को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन की तिथि 31 अक्टूबर तक की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने बाजरे की नई बीमारी की खोज की है, जिसका नाम स्टेम रोट है। खास बात यह भी है कि इसे अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने मान्यता दे दी है। आपको बता दें, अब तक विश्व स्तर पर इस तरह की बाजरे की किसी बीमारी की खोज नहीं की गई है। वैज्ञानिकों ने इस रोग के प्रबंधन के कार्य शुरू कर दिए हैं। कृषि विश्वविद्यालय चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए चाय गैर पारंपरिक क्षेत्रों में चाय की खेती पर शोध कर इसके विकास गतिविधियों पर अपना काम करेगा, जिसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कांगड़ा के अलावा देश व हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों में भी चाय की पैदावार हो सकेगी, जिसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तालमेल बनाकर कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के पंतनगर स्थित जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दरअसल समझौता ज्ञापन के तहत भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात के विकास के लिए उनकी संबंधित विशेषज्ञता और उनके संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। राजस्थान में बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान काफी परेशान है। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से उन्हें प्रति क्विंटल 900 से 1000 रुपए तक का नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की नाराजगी के बाद यह मुद्दा काफी बड़ा हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा में न केवल बाजरे की खरीद हो रही है बल्कि बाजरा उत्पादक किसानों को मूल्य अंतर पर भी दिया जा रहा है। केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले प्लायू जयर ने कमाल कर दिखाया। दरअसल उनके पास खुद की एक भी जमीन नहीं है, इसके बाद भी उन्होंने कटहल के 20,000 पेड़ लगा दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने एक कटहल गांव भी तैयार कर दिया है। आपको बता दें, जयन अपने नगर इरिजालकुडा में 44 से अधिक किस्म के फलों के पेड़ लगाए हुए हैं, जिनमें रुद्राक्षी वारिका, फुटबॉल वारिका और बहुत कुछ शामिल है। कृषि जागरण की टीम हरियाणा स्थित पलवल पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे व सीमांत और साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की और साथ ही उन्हें खेती से जुड़ी कई गुण भी सिखाए। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं भारत के कुछ हिस्सों जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।